अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा। आज हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार जी, एडवोकेट, जिन्होंने सैकड़ों बच्चों को फ्री में जेल से छुड़ाने का काम किया है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो 10% सवर्णों को आरक्षण मिला है उससे समाज को फ़ायदा है या नुकसान। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद SM न्यूज़ का कि इसमें जो आपने 10% आरक्षण की जो बात की, जो स्वर्णों को दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं जो आज इस देश की व्यवस्था है, जो इस देश में सरकार चल रही है, उसकी इस तरह की मानसिकता जाहिर होती है कि जो हमारा भारतीय संविधान में 27.5% OBC का और 21.5% जो SC ST का जो आरक्षण था, यानी कि 52% आरक्षण था, वो कहीं ना कहीं अभी तक 70 साल देश आज़ाद हुए होंगे, संविधान लागू इस देश में हुए होंगे, लेकिन वो जो 52% आरक्षण है, जो SC ST और OBC का आरक्षण है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। आप ये देखिए, केंद्रीय नौकरियों में आज भी जो 90% जो लोग हैं वो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वहाँ पर ए ग्रेड में, बी ग्रेड में आज भी जो पद खाली SC ST के और OBC के पड़े हुए हैं, तो उससे ये जाहिर होता है जहाँ तक जो ये 10% आरक्षण दिया गया है, जब वहाँ पर SC ST और OBC के जो पद आज तक नहीं भरे गए हों, तो हम ये कैसे सोचें कि वो वहाँ तक जब नहीं भरे गए हों तो ये 10% करके तो हमारी स्थिति और बद से बदतर होने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों ने, जो इस सोच के व्यक्ति हैं, जो भारतीय संविधान को नहीं मानते, आज के समय में भी मनुवादी व्यवस्था को वो लोग मान कर चल रहे हैं, वो ये सोच करके चल रहे हैं कि इन लोगों को जो मिला, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़ा वर्ग को, दलित वर्ग को, जो आज तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के तहत दिया, वो सब कुछ जो मिला है शिक्षा से मिला है, तो उस चीज़ को भांपते हुए जो मनुवादी प्रवृत्ति के सोच के व्यक्ति हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं ऐसे लोग, उन्होंने ये सोचा है कि इनको वहाँ से काटा जाए जहाँ से इनकी शिक्षा से ये लोग बड़े हैं, आज ये अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, और इनको जो देन है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो कहीं ना कहीं ये कुठारघात किया गया है। अभी जो रोस्टर प्रणाली थी, यहाँ पर रोस्टर प्रणाली लागू की गई, उसके लिए बहुजन समाज सड़कों पर उतरा, दिल्ली से जितने दिल्ली के विश्वविद्यालय हैं, देश के विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से प्रोफेसर सड़कों पर उतरे, और उसके बाद यहाँ दिल्ली पर जो है जंतर मंतर पर, उस पर संसद पर, जंतर मंतर पर यहाँ आंदोलन किया गया। आंदोलन करने के बाद कहीं जाकर वो 10% जो रोस्टर प्रणाली लागू की गई थी उसको सरकार ने वापस लिया। और जहाँ तक आपने कहा कि जो बहुजन समाज पर अत्याचार वाली बात है, जो 2 अप्रैल भारत बंद में जो बच्चे जेल गए थे, हमारे बुलंदशहर के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा लोग जेल गए थे, उन जो जेल गए थे उसमें हमारे बहुत सारे साथी थे, श्रीपाल एडवोकेट थे, राजेंद्र सिंह एडवोकेट थे, हमारे 10-12 लोगों की वहाँ पर टीम थी, एडवोकेट की टीम थी, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वहाँ पर उन लोगों की जमानतें कराई, और जमानत कराने के साथ साथ जब भी वो जेल से छूटे, हमने उनको जेल से ला करके उनका वहीं जेल से सम्मान किया, और हमने उनको आश्वस्त किया है कि उनके जो मुकदमे हैं उनके हम फ्री ऑफ कॉस्ट मुकदमे लड़ेंगे। और भी ये है, जो 10% आरक्षण के साथ साथ आज इस देश में जो मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, आज उनकी सोच और भी ज़्यादा घृणित हो गई है। आपने देखा होगा कि अभी पीछे एक रुचि सिंह ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, उसके खिलाफ़ FIR कराई गई। अभी हम लोगों ने मुश्किल से 10 दिन हुए हैं, एक फिरोजाबाद के लड़के ने उस पर कॉमेंट किया, फेसबुक पे कमेंट किया, उसने जो है उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए, बहुजन समाज के व्यक्तियों के लिए गालियाँ दी। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसी लोगों के अंदर जो सरकार आई है, सरकार से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं ऐसी सोच रखे हुए हैं, जब इस तरह के कमेंट करते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, बहुजन समाज को, OBC समाज को, SC ST समाज को गालियां देते हैं, तो आप ये समझिए कि आज भी हम लोग कितना ही भी अच्छा पढ़ लें, कितना ही भी अच्छा लिख रहे हैं, कितना ही भी अच्छा हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो आज तक वो जो संविधान में आरक्षण दिया गया तो वो तो पूरा किया नहीं गया, लेकिन उसके विपरीत 10% ये आरक्षण और हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हमारी स्थिति और बस से बदतर ये सरकार करने जा रही है, इस पर हमें सोचना होगा, क्योंकि जो भी मिला है हमारे समाज को, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग अपने घरों में जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन से, उनकी शिक्षा से आज गाँव से निकल के शहर में रह रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, उनको सामाजिक आंदोलनों में आना होगा, उनको जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें आना होगा। अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों का भविष्य चौपट कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें सुविधाएँ मिल रही हैं, उनको आज अच्छी सुविधाएँ मिल रही हैं, वो AC के घरों में रह
रहे हैं, एसी की गाड़ियों में चलते हैं, अपने जो वो उनको आज सारी सुविधाएं मिल रही हैं कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर वो आज अपने घरों से निकलकर सड़क पे आंदोलन करने के लिए नहीं आते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए नहीं आते हैं, अपने जो आरक्षण जो हमारा छिन रहा है उसको मांगने के लिए नहीं आते हैं, जो आरक्षण छिन रहा उसको लेने के लिए नहीं आते हैं, जो हक और अधिकार जैसे कि अभी SC ST एक्ट जो छीनने वाली बात आई उसको SC ST एक्ट को ख़त्म करने वाली बात आई, यदि बहुजन समाज इस देश का बहुजन समाज सड़कों पे नहीं आता और इस देश में 13 बच्चे जो शहीद हुए जो बहुत ही गरीब तबके के बच्चे थे उन्होंने अपनी जान इस समाज के लिए दे दी, हमारे ऐसे ऐसे लोग जो आज भी अपने घरों में बैठे उनको घरों से निकलना पड़ेगा। जब तक वो सड़कों पर आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो उनके बच्चों को कहीं ना कहीं उनके बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो लोग मेरी बात सुनेंगे मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो आज बहुजन समाज की स्थिति है वो कहीं ना कहीं यदि आप सड़कों पे नहीं आते हैं और आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि आपने चाहे SC ST एक्ट के लिए आंदोलन किया हो वो आंदोलन के बाद ही मिला है, आपने रोस्टर प्रणाली के बाद आंदोलन किया हो वो आपको आंदोलन से मिला है, और आज भी आप जहाँ जाएंगे आपको इस जाति के अनुसार, क्योंकि जाति एक ऐसी चीज़ है जिस जाति में SC ST के लोग हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं सब कुछ हैं, लेकिन इनकी मानसिकता आज भी इन लोगों की नहीं बदली है, और इस मानसिकता को बदलने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के आपके बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला, आपके बच्चों का भविष्य बहुत अंधकारमय होने वाला है। आपका इस देश के संविधान को बदलने की प्रक्रिया चल रही है ऐसा पूरी तरह से सभी लोग जानते हैं, अगर आप अपने घरों में रहे अपने मकानों से बाहर नहीं निकले और आपने आंदोलन नहीं किए तो आपके बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद सर आपका। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।